यार इतने सालों बाद मुंबई गैलेक्सी फाइनली इंडिया में हिंदी डब के साथ आ रहा है। तो यार शायद से आप सभी को पता चल ही गया होगा कि हाल ही में डिज्नी इंडिया वालों ने मुंबई द मूवी हिंदी डब के साथ अपने चैनल पर टेलीकास्ट किया था और लिटरली गाइस उनसे उनको काफी ज्यादा टीआरपी मिली, इसलिए वो मुंबई ओजी सीरीज को भी अपने चैनल पर टेलीकास्ट कर रहे हैं। और गाइस खास बात जानते हो क्या है, मुंबई ओजी सीरीज को काफी लोगों ने बहुत पहले ही देखा है बट फिर भी वो यूट्यूब पर अभी भी देखते हैं। एंड यूट्यूब पर देखने के बावजूद भी जब वो टीवी पर टेलीकास्ट होता है तो टीवी पर भी वो लोग देखते हैं। और गाइस किसी एक बंदे ने ये कमेंट भी किया था कि वो मुंबई द मूवी को 5 बार देख चुका है लेकिन फिर भी टीवी पर आने के बाद भी वो देखा। इससे आप समझ सकते हो कि मुंबई को इंडिया में कितना ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। डिज्नी वाले मुंबई को हिंदी डब के साथ अपने चैनल या अपने सिस्टर चैनल पर टेलीकास्ट करवा चुके हैं। और गाइस जो लोग बोलते हैं कि मुंबई की टीआरपी कम थी, तो गाइस सोचो अगर टीआरपी कम मिलती डिज्नी वालों को तो वो मुंबई को इतने सालों बाद भी वापस क्यों टेलीकास्ट करते। और इस बार खास बात तो ये है कि डिज्नी इंडिया खुद अपने चैनल पर मुंबई को टेलीकास्ट करवा रहा है। जिनको टाइमिंग नहीं पता मैं बता देता हूँ, मुंबई टेलीकास्ट होता है मंडे टू थर्सडे 11:30 AM। इस बार डिज्नी वाले ठीक टाइमिंग पर मुंबई को टेलीकास्ट करवा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी ज्यादातर के एग्जाम्स एंड हो चुके हैं एंड अभी काफी सारे वैकेशंस भी आने वाले हैं, इसलिए गाइस सपोर्ट दिखाना रुकना नहीं चाहिए, खुद तो देखना ही एंड साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करना। तो गाइस ये फाइनली अब मैं आपको बताता हूँ कि मुंबई ओजी सीरीज के बाद जो नेक्स्ट सीरीज मुंबई गैलेक्सी वो इंडिया में कैसे आ सकती है। तो यार पहला रीजन तो ये हो सकता है कि डिज्नी वाले पहले ओजी सीरीज को इसलिए दिखा रहे हैं कि न्यू ऑडियंस जो कि मुंबई को नहीं जानते वो स्टार्टिंग से मुंबई को जाने, उसके बाद जब वो गैलेक्सी सीरीज टेलीकास्ट करेंगे ना तो फिर वो मुंबई गैलेक्सी सीरीज को भी देखेंगे। दूसरा रीजन तो ये है कि वो मुंबई ओजी सीरीज को दिखाकर ये देखना चाहते हैं कि मुंबई के फैंस अभी भी है या नहीं, उन्हें अच्छी टीआरपी मिलती है या नहीं, फिर वो अगली सीरीज को डब करेंगे। पर गाइस मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि मुंबई गैलेक्सी इंडिया में आएगा या नहीं, पर हम जो कर सकते हैं वो तो जरूर करेंगे। मेरा मतलब है मैं एक कैंपेन चलाने जा रहा हूँ जिसमें आप सभी को पार्टिसिपेट करना होगा। ये कैंपेन तो नॉर्मल होगा बट काफी ज्यादा इफेक्टिव होगा, जिसमें आप सभी को मेरा साथ देना होगा। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, हमने पहले भी एक कैंपेन चलाया था बट हम लोगों ने कार्टून नेटवर्क इंडिया वालों से रिक्वेस्ट की थी, बट गाइस कार्टून नेटवर्क वालों के पास तो मुंबई के राइट्स ही नहीं है। कार्टून नेटवर्क से रिक्वेस्ट करने के बाद कार्टून नेटवर्क भी लाइक, अरे भाई हम क्या करें हमारे पास तो राइट्स ही नहीं है। मतलब यार काफी ज्यादा फनी हो गया, बेचारा कार्टून नेटवर्क कर भी क्या सकता था। पर इस बार हम फिर से कैंपेन चलाएंगे और इस बार सही लोगों को टैग करेंगे और डिज्नी इंडिया को भी। तो गाइस एक एक स्टेप को सही से देखना कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो गाइस सबसे पहले आपको मेरे इंस्टा पेज मोस्टा फैंटास्टिक पर चले जाना है, जिसमें आपको पिन की हुई सबसे पहली पोस्ट मिलेगी मुंबई गैलेक्सी से रिलेटेड, उसे आपको सिंपली स्टोरी पर लगाना है। रुको मैं बताता हूँ साथ ही आपको किनको मेंशन करना है। तो गाइस सबसे पहले आपको डिज्नी इंडिया वालों को मेंशन करना है जिसका प्रोफाइल में मिकी माउस बना होगा, और दूसरा निजाम सर को जो कि मोस्टा के सीईओ हैं। चिंता मत करो मैं सबकी इंस्टा आईडी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद आपको हंगामा चैनल को मेंशन करना है, क्या पता डिज्नी वाले ना सही हंगामा वाले ही देख लें, बात तो पहुंच ही जाएगी अगर कोई भी देख ले तो। उसके बाद आप चाहो तो मुंबई को भी मेंशन कर सकते हो। एंड सबसे जरूरी बात, मुझे मेंशन करना बिल्कुल मत भूलना, मुझे मेंशन करोगे तब ना मुझे पता चलेगा कि कितने लोग कैंपेन में पार्टिसिपेट किए हैं। आपको स्टोरी लगा के सिर्फ मेंशन ही करना है एंड बाकी जरूरी चीजें मैं पोस्ट पर लिख दूंगा। एंड अगर किसी एक की भी स्टोरी डिज्नी वालों ने देख ली ना तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना, मैं सभी के मैसेज का रिप्लाई देता हूँ, बस मुझे फॉलो कर लेना। और गाइस ये स्टोरी आपको एक बार नहीं लगानी है, आपको बार बार लगानी है जब तक डिज्नी इंडिया वाले देखे नहीं। हाँ एक दिन में एक ही स्टोरी लगाना, बाकी दूसरे दिन लगाना। तो गाइस ये सच बता रहा हूँ, ये काफी ज्यादा इफेक्टिव तरीका है। काफी सारे लोगों ने ऐसे ही कैंपेन चला के अपने फेवरेट शो को हिंदी डब करवा के टेलीकास्ट करवाया है, और अभी सही टाइमिंग भी है डिज्नी इंडिया वालों को बताने का क्योंकि वो मुंबई ओजी सीरीज को टेलीकास्ट करवा रहे हैं। और अगर हम उससे गैलेक्सी की डिमांड करें तो क्या पता हमारी डिमांड सुन ले। कुछ भी हो हम हार तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। इसी दिन के लिए मैंने मुंबई की कम्युनिटी को इतना ज्यादा बड़ा बनाया है, अब देखते हैं कि कौन कौन हमारा साथ देता है और कैंपेन में पार्टिसिपेट करता है। जो लोग कैंपेन में पार्टिसिपेट करेंगे कमेंट में #WeWantMumbaiGalaxyInIndia जरूर लिखना। और सभी को मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि इंडिया में डब होगा तो सिर्फ इंडिया में ही टेलीकास्ट किया जाएगा, एक बार हिंदी डब हो गया ना तो वो बाकी के नेबरिंग कंट्रीज में भी टेलीकास्ट होगा। तो गाइस अब बात करते थे थोड़ी सी डबिंग से रिलेटेड कि क्या किसी की वॉइस चेंज भी होगी या फिर वही पुराने वॉइस एक्टर्स मुंबई गैलेक्सी में भी डब करेंगे जिन्होंने ओजी सीरीज में डबिंग किया है। तो देखो यार एजेन अली को तो आप सब लोग जानते ही होंगे, तो यार आप सभी ने क्या नोटिस किया एजेन अली को फिर से डब किया गया था। एजेन अली की ओल्ड डबिंग इतनी अच्छी की गई थी फिर भी क्यों उसे वापस से डब किया गया, और वो भी दूसरे वॉइस एक्टर से। न्यू ऑडियंस को न्यू डबिंग देखने में बढ़िया ही लगेगा,
बट जो ओल्ड फैंस है ना उन्हें न्यू डबिंग बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि यार आप ही सोचो ना, बचपन से वो लोग जो वॉइस सुन रहे हैं फिर अचानक से वॉइस बदल जाए तो कितना अजीब लगेगा। तो यार इसीलिए हम नहीं चाहेंगे कि बोबॉय के साथ भी ऐसा हो कि बोबॉय गैलेक्सी सीरीज में वॉइस एक्टर्स बदल जाए, क्योंकि यार आपको तो पता ही है पुरानी डबिंग में कितने अच्छे अच्छे वॉइस एक्टर्स ने डबिंग किया है। तो यार जब मैंने सुना था बोबॉय की हिंदी वॉइस एक्टर ने डबिंग से रिटायरमेंट ले ली थी, तो फिर यार मैं समझ गया कि बोबॉय गैलेक्सी अगर डब भी होगा ना तो बोबॉय को कोई और डब करेगा जिसमें मजा नहीं आएगा। बट गाइस गुड न्यूज तो ये है कि मैंने हाल ही में सुना कि बोबॉय की वॉइस एक्टर स्वप्निल कुमारी ने फिर से ज्वाइन कर लिया है और वो काफी सारी डबिंग कर भी रही है। तो गाइस इसीलिए मुझे नहीं लगता कि बोबॉय के वॉइस एक्टर्स को चेंज किया जाएगा। एंड बाकी मैं पोस्ट में तो रिक्वेस्ट करूंगा ही कि हमें ओल्ड वॉइस एक्टर्स ही चाहिए, बट आप सभी का काम है उस पोस्ट को अपने स्टोरी पे लगाना और सभी को मेंशन करना जिनके नाम मैंने बताया है। तो गाइस यार बोबॉय गैलेक्सी को इंडिया में लाने के लिए ये मेरा लास्ट कैंपेन होने वाला है एंड इस बार काफी ज्यादा चांसेस भी है बोबॉय गैलेक्सी को इंडिया में आने के, इसलिए गाइस सब लोग जरूर से सपोर्ट करना। तो यार देख के रहे हो कमेंट में लिखो #WeWantBoboyGalaxyInIndia। तो यार हमेशा की तरह एंड में मैं आपको अपनी दूसरी वीडियो देखने के लिए नहीं कहूंगा, तो यार देख के रहे हो जल्दी जाओ इंस्टाग्राम पर एंड उस पोस्ट को जितना हो सके रीशेयर करो, स्टोरी पर लगाओ, हैशटैग्स लगाओ, जो हो सके करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।